26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पुरखों के असंख्य बलिदान के बाद भारत में सार्वभौम सत्ता संपन्न इस गणराज्य की स्थापना हुई। विचार विमर्श के बाद पर्ची से व्यवस्था निकलती। अभी वर्तमान जो कालखंड है वो संक्रमण का कालखंड है। एक बहुत बड़ी विभीषिका से जूझ करके हम, आपदा से जूझ करके हम कोविड के बाहर आ रहे हैं। अभी वैक्सीन आ गई है, ये सभी के लिए बहुत आनंद का विषय है। लेकिन पुराने समय में जो हमारा नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, देश पिछड़ गया, दुनिया पिछड़ गई, इस समय में हम सभी को व्यवस्था का भाग बनकर के हमारी योग्यता अनुसार आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के लिए अपना योगदान इसमें प्रदान करने की आवश्यकता है। आप सभी बंधुओं को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।